नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube लर्निंग चैनल पर। मैं हूं स्वातिका देवर, गुरुकुल विद्यालय विद्यापीठ से। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूं अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, ये हमारी हिंदी की कक्षा है और आज हम अपनी हिंदी की कक्षा में अगला अक्षर सीखेंगे जो है ई। क्या कहते हैं इस अक्षर को? ई, है ना? तो पहले हम इस अक्षर से बनने वाले शब्दों को देखेंगे, फिर उसके बाद इसे हम लिखना सीखेंगे, ठीक है? तो आइए हम पहले शब्दों को देखते हैं। ई, इमरती। आप भी दोहराइए मेरे साथ, ई, इमरती। ई, इंजन। ई, इमली। एक बार फिर से, ई, इमली। ई, इंजन। ई, इमरती। और देखिए, आपकी ये जो किताब है हिंदी की, इस पेज, इसमें पेज नंबर निकालिएगा 20, ठीक है? इसमें दिया हुआ है ई अक्षर, है ना? और इसमें देखिए इसके शब्द भी दिए हैं, ई इमली, ई इनाम, ई इमरती, ई इंजन, है ना? अब हम इस ई से जो कविता बनी है आपकी किताब में दी हुई है पेज नंबर 23, देखिए यहां पर दी है ना? तो इस कविता को पहले एक बार गाएंगे, पहले एक बार मैं गाऊंगी, फिर आप दोहराएंगे, ठीक है? उसके बाद हम इसे लिखना सीखते हैं। तो चलिए हम कविता गाते हैं। ई से बनती इमली रानी, बोलिए, ई से बनती इमली रानी, यह सबकी जानी पहचानी, इसे देखकर सबके मुंह में चुपके से भर जाता पानी। एक बार फिर से, ई से बनती इमली रानी, यह सबकी जानी पहचानी, इसे देखकर सबके मुंह में चुपके से भर जाता पानी, है ना? अब हम ई अक्षर को लिखना सीखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो बोर्ड पे मैंने ई अक्षर बनाया है, इस पे मैं अपनी उंगली घुमाऊंगी और देखूंगी कि उंगली ई अक्षर कैसे बनता है, ठीक है? और आप लोग क्या करेंगे, जब मैं बोर्ड पे घुमा रही हूँ अपनी उंगली इस अक्षर पे, तब आप आपकी किताब में जो ई अक्षर दिया है, चाहे तो इस पेज पे, चाहे तो इस पेज पे, ठीक है? किसी भी एक अक्षर पे आप अपनी उंगली घुमाकर इसको देखेंगे और इसका अभ्यास करेंगे, ठीक है? चलिए हम घुमाते हैं और देखते हैं इसका क्या पैटर्न है ये उंगली बनाने का, ठीक है? सबसे पहले क्या करना है, एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन लेंगे, फिर राइट कर, फिर लेफ्ट कर, और फिर एक छोटा सा सर्कल बना के स्लैंटिंग लाइन, ठीक है? एक बार फिर से बनाते हैं, स्टैंडिंग लाइन, राइट कर, लेफ्ट कर, एक छोटा सा सर्कल बना के स्लैंटिंग लाइन, और ऊपर से देखेंगे स्लीपिंग लाइन। तो ये क्या बन जाएगा, ई। क्या बन जाएगा, ई। अब हम इसी अक्षर को हवा में बनाएंगे, ठीक है? हवा में बनाने के लिए अपनी सबसे पहली वाली उंगली और अपना अंगूठा, मतलब कि अपनी पॉइंटर फिंगर और अपने थंब को ज्वाइन करेंगे और फिर हम लिखेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमने बोर्ड पे अपनी उंगली घुमा के पैटर्न से ई बनाया है, ठीक है? चलिए बनाइए, स्टैंडिंग लाइन, राइट कर, लेफ्ट कर, एक छोटा सा सर्कल और स्लैंटिंग लाइन, और ऊपर से देखेंगे स्लीपिंग लाइन, ठीक है? एक बार फिर से बनाते हैं, स्टैंडिंग लाइन, राइट कर, लेफ्ट कर, एक छोटा सा सर्कल और स्लैंटिंग लाइन, और ऊपर से स्लीपिंग लाइन। तो क्या बन जाता है, ई। क्या बनता है, ई। अब हम हवा में बनाना सीख चुके हैं, है ना? अब हम बनाएंगे रेत में, ठीक है? तो बच्चों, अभी हमने हवा में बनाना सीखा है, अब हम कहाँ बनाना सीख रहे हैं, रेत में, है ना? तो देखिए, रेत को पूरा समान मैंने यहाँ पे फैला लिया है और अब हम इसमें ई अक्षर को बनाना सीखेंगे।
ठीक है। रेत में बनाने के लिए हमें अपनी इस उंगली का इस्तेमाल करना होता है, पॉइंटर फिंगर का, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। क्या करना है हमें, पहले हमने अपनी पॉइंटर फिंगर को रेत में रखा और अब हम अपना पैटर्न फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, स्टैंडिंग लाइन छोटी सी है ना, फिर हम बनाएंगे राइट कर्व, फिर हम बनाएंगे लेफ्ट कर्व, फिर एक छोटा सा सर्कल बना के हम बना देंगे यहाँ पे क्या, स्लैंटिंग लाइन है ना। छोटा सा सर्कल बना के क्या करना है हमें, स्लैंटिंग लाइन बना देनी है। ऊपर बनाएंगे हम स्लीपिंग लाइन, तो क्या बन जाएगा ये, ई इमली का है ना। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। चलिए, स्टैंडिंग लाइन, राइट कर्व, फिर लेफ्ट कर्व, फिर एक छोटा सा सर्कल और स्लैंटिंग लाइन है ना, और ऊपर से देंगे हम क्या, स्लीपिंग लाइन। तो क्या बना ये, ई इमली का, क्या बना, ई इमली का है ना। तो बच्चों अभी हम हवा में और रेत में दोनों में बनाना सीख चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगी कि कैसे बनता है। और देखिए बोर्ड पे मैंने किस तरह की लाइंस खींची हुई है, जैसी आपकी नोटबुक में है ना, उसी तरह की लाइन मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। और इन दो लाइन्स के अंदर आपको हिंदी के अक्षर लिखने होते हैं, मैंने आपको बताया था
पसंद